मेटलर्जी में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है, कि मेटलर्जी होती क्या, राइट, और फिर मेटलर्जी बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, राइट। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, मेटल, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि मेटल क्या होते हैं, मेटल के मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ लिया है, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ लिया, राइट, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, क्या है कि सॉलिड होता है, लस्टर होता है, हार्ड होता है, हाई डेंसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, जनरली इंसॉल्यूबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और सोनरस होता है, जनरली ब्रिटल नहीं होते, राइट। फिर हम लोगों ने क्या देख लिया था कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देख लिया, राइट, ठीक, क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, है कि नहीं, और मेटल को प्लेस किया गया है हाइड्रोजन के अब ऊपर रखा गया है कि नहीं, जनरली मेटल हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ठीक, और मेटेलिक क्लोराइड बनाते हैं, है कि नहीं। तो मेटेलिक क्लोराइड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रो वैलेंट में होते हैं, इसमें एक कैथोड पे जाएगा, एक एनोड पे जाएगा, है कि नहीं। तो एक रिएक्शन कैथोड पे होगी, एक रिएक्शन एनोड पे होगी। कैथोड पे कौन सी जाएगी, पॉजिटिव वाली, और एनोड पे कौन सी जाएगी, नेगेटिव वाली, राइट। फिर क्या हमने देखा था कि मेटल क्या है, ये मेटल कैसे यूज करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, है कि नहीं, मतलब कि ये जो डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की, है कि नहीं, जनरली क्या होते हैं, ये गैसियस लिक्विड या फिर ब्रिटल सॉलिड होते हैं जनरली, इनमें लस्टर नहीं होते, जनरली सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी की होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक, मैल्युअल डक्टाइल नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं, ब्रिटल होते हैं ना, जनरली एलॉय और एमलगम नहीं बनाते हैं, जनरली क्या नॉन सोनरस होते हैं और डिजॉल्व होते हैं इन मैनी लिक्विड में, है ना। ओके, फिर हम लोगों ने क्या देखा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, है ना, वोलेटाइल क्लोराइड बनाते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है कि नहीं। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, याद है ये। तो उसमें क्या है, सबसे ऊपर क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोमेटिक बात की जाए तो पोटेशियम, फिर सीडियम, है ना, ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने मेटलॉइड पढ़े थे, मेटलॉइड क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जिसमें दोनों होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक एंटीमनी सिलिकॉन जर्मनी ये होते हैं। फिर हम लोगों ने और देखा था, राइट, फिर हम लोगों ने देखा था कि गैंग या फिर मैट्रिक्स क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं कि नहीं, मेटल और कुछ उनके और देखे थे, है ना। तो उसमें हम लोगों ने एल्युमिनियम और एफए के कर लिए थे। ओके, तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक, उसी कॉन्टिन्यूएशन में कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग और देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, चलो। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रोड पे होते हैं बेसिकली, ठीक। और क्या है, इनकी एक ऑर्डर है, ठीक। तो इसमें जो जो सीरीज है, इसमें जो एलिमेंट ऊपर रहेगा वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, है कि नहीं। तो फिर ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोड पे क्या है वो देखते हैं, क्या है इलेक्ट्रोड, फिर क्या होती है, इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होती है यहाँ पे, क्या है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, या फिर इसे क्या कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं इन्हें, और इससे करस्पॉन्डिंग इनके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, ठीक, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इन नॉट से, ठीक। और ये है, तो किसमें इसकी यूनिट क्या होगी, ये किसमें होगा, जनरली ये वोल्ट में होगा, ठीक। ये हम लोग को पहले पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट में होती है, ठीक। तो अब बात करते हैं सीरीज की। तो सबसे पहले क्या आते हैं, लिथियम, क्या आता है, लिथियम, लिथियम में क्या आएगा, पोटेशियम, ठीक, क्या आएगा, पोटेशियम, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, बैरियम, क्या आएगा, बैरियम। तो अगर लिथियम बात की जाए, ठीक, तो लिथियम को लिथियम बोल सकते हैं या फिर एल आई प्लस बोल सकते हैं। तो एल आई प्लस क्या है,
एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ज्यादा होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। ठीक, वैसे पोटेशियम बात की जाए तो उसे के प्लस लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, के प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर बेरियम की बात की जाए तो बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है बताओ, 1 की 2 +2 होती है बेरियम की, है कि नहीं। तो बी अच्छा प्लस टू अगर यहाँ पे है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन बैरियम ऐसे होगा। अच्छा इस पे स्टैंडर्ड पता वोल्ट कितना होता है, इस पे होता है माइनस का 3.05, फिर माइनस का 2.93, -2.91, ऐसे सीरीज जाती है। ठीक, तो सभी रिएक्शन ऐसे होंगे। अब सबसे मेन चीज क्या आता है कि जो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इसमें सबसे मेन क्या है जो याद करना है, जो मेमोराइज करना है, जो कॉन्सेप्ट चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है। तो सबसे ऊपर क्या आता है, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बी से बेरियम, फिर क्या आता है इस एस आर से स्ट्रॉन्शियम, फिर क्या आता है कैल्शियम, फिर सोडियम एन ए, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद एम एन मैग्नीज, फिर जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, फिर सी डी मतलब कैडमियम। नहीं, एक मिस हो गया है, क्रोमियम के बाद आता है एफ ई, एफ ई के बाद फिर आता है सी डी कैडमियम, फिर सी ओ क्या होता है बोलो, कोबाल्ट, फिर एन आई क्या होता है, निकेल, फिर एस एन, फिर लेड पी बी, फिर एफ ई। अब बात यहाँ पे दो एफ ई आ रहा दिख रहा है, एक एफ ई +2 आ रहा है ऊपर देख लो, तो ये क्या है +2 वाला एफ ई, और ये वाला कौन सा है, ये +3। ठीक, +3 के बाद क्या आता है, एच प्लस, ये बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, एच प्लस, ओके एच प्लस। ठीक, एच प्लस के बाद आता है, अच्छा ऊपर जो एसन था उसकी वैलेंसी क्या थी, +2, यहाँ के एसन की +4, फिर सी यू +2, फिर क्या है आयोडाइन आई, फिर एफ ए +3, फिर एच जी प्लस, फिर ए जी प्लस, फिर ब्रोमीन, फिर प्लैटिनम, फिर सी एल टू, ए यू, एंड देन इतने याद करते हैं हम लोग। ओके, तो अगर अब बात ये है कि सबसे पहले इसको याद करना कैसे है, ठीक है, तो जैसे इसको याद करें इसको वैसे याद करना है। क्या याद करना है, लिखबा सरकाना, क्या याद करना है देखो क्या है, ली क ब सर का ना, इसको एक साथ याद कर लो, याद करो क्या ये लिखबा सरकाना, याद हो गया नहीं याद हो गया बोलो, ये क्या हो गया लिखबा सरकाना, एक साथ याद हो गया बोलो बोलो, पहले लिथियम, फिर पोटेशियम, बैरियम, स्टेंसियम, कैल्शियम, सोडियम, याद हो गया इतना, लिखबा सरकाना। ओके, अब यस क्या था, लिखवा सरकमण क्या करना है, मग अल मन जन कर, क्या मग अल मंजन कर, क्या
मग अल मंजन कर, है ना। सुबह सुबह जब मंजन करते हो तो मग मग यूज करते हो ना, मग अल मंजन कर, ठीक। फिर क्या है, फेकत कोनी, क्या है, फेकत कोनी, ठीक, क्या हो गया, फेकत कोनी, है ना। फिर फेकत कुनी की याद कर लो इतना। ठीक, क्या है, फेकत कोनी, और फिर क्या है उसके बाद, क्या है, क्या बोलो, एफी क्या है, फिर याद कर, पेन एफी, ओके अभी फिलहाल तो यहाँ छोड़ सकते हैं फिलहाल तो अभी, तो क्या करो, फे अभी तो हो गया, फे कद को नी, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, अगर देखा जाए तो अभी क्या रहता है यहाँ पे, हाइड्रोजन आता है, नहीं बोलो, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है वो देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें तो जो हाइड्रोजन ग्रुप उसको हटा देते हैं, अगर बात की जाए तो क्या है, सी यू, क्या है, कॉपर, कुछ कुछ है जी, है जी, प्लेटिनम, पी टी, आओ, क्या है, कुछ है जी, है जी, पटाओ, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा बोलो। हाँ कुछ याद होगा कि नहीं होगा बोलो कुछ। यस क्या है, लिखवा सरकाना, मग अल मंजन कर, फेकत कोनी, फिर हाइड्रोजन है, फिर कुछ है जी बताओ, ठीक है। तो अब कोई पूछे बता लोगे, नहीं बता लोगे, कौन सा सिरे ऊपर कौन सा। ओके, तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज है, ठीक, तो अभी हम लोगों ने ऊपर थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, नेगेटिव से स्टार्ट किया था ना, बोलो, ठीक। तो जब ये हाइड्रोजन पे आते हैं, ठीक, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी हो जाती है इसके करस्पॉन्डिंग, जीरो, कितनी होती है, जीरो, ठीक। इसके जस्ट ऊपर क्या हो गया, एफपी, यहाँ जो होती है माइनस का 0.036, और हाइड्रोजन के जैसे नीचे आएंगे वो क्या, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्लियर है। जैसे बात की जाए कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.34 पॉजिटिव में, ऐसी वैल्यू नीचे बढ़ती जाएंगी, ठीक। और जैसे ही क्या बोलते हैं गोल्ड तक पहुंचेंगे, एयू, ठीक, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1.40, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक। तो ये बताइए आप लोग को ये जो सीरीज क्या थी कि नहीं, बोलिए, इलेक्ट्रिक मैसेज, लिखबा सरकाना, मग अल मंजन कर, फेंका दिकोनी, देखिए क्या है, लिखबा सर का ना, मग अल मन जन कर, फे कद को नी, फिर कुछ है जी, अजी पटाओ, कुछ है जी, अजी पटाओ, याद हो कि नहीं याद हो बोलिए आप लोग को, बोलिए, इतने याद हो कि नहीं याद हुआ, याद है, कोई डाउट, याद हो गया, यस ओके। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्या पढ़ना है, तो ये बताओ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या कहते हैं, बताए, पता है हाँ सर, क्या बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं,
मेटलर्जी कहते हैं राइट। क्या होता है उसमें, क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेटल करते हैं ठीक। तो इस एक्सट्रैक्शन मेटल कहाँ से करते हैं मैं चीज़, तो ये है कि इसमें क्या हो रहा है पता है। तो एक्सट्रैक्शन मेटल पता क्या होता है कि ये क्या है, ये प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस प्रोसेस ऑप्टेनिंग, क्या प्रोसेस ऑप्टेनिंग क्या अ मेटल, कहाँ से? फ्रॉम इट्स ओर, क्लियर है? उससे क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्लियर है? क्लियर है? होता तो इसमें होता क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जो मेटेलिक आयन होते हैं ना वो क्या करेंगे? अच्छा मेटल होता है, पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं बोलो? जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है बोलो? पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ तो मेटल क्या होते हैं? अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे लूज करेंगे? चलिए लूज करेंगे। लूज करेंगे ठीक। तो इनके पास टेंडेंसी क्या होती है लूज करने की राइट। तो जो मेटेलिक आयन क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्जिंग तो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को देंगे कि लेंगे? देंगे ठीक है, लेकिन मेटेलिक आयन क्या करेंगे? नहीं देंगे समझे। जैसे जो मेटल होते हैं, जैसे मान लो सोडियम मान लो है ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं राइट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बन जाता है, एन प्लस तक नहीं बनता बोलो? ठीक बनेगा ठीक। लेकिन हम बात करें, अगर मेटेलिक आयन की बात करें, क्या हम बात कर रहे हैं मेटेलिक आयन की, तो बताओ मेटेलिक आयन इलेक्ट्रॉन देंगे कि लेंगे बताओ? है इलेक्ट्रॉन लेंगे अभी मैटर बनाएंगे। हाँ राइट। तो मैं इसका उल्टा सोचो अब एक तरीके से ठीक, कि मान लो Na है प्लस ये आयन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तो क्या बनेगा, Na बनेगा नहीं बनेगा बोलो? तो मेटेलिक आयन क्या करेंगे, देंगे कि लेंगे बोलो? मेटेलिक आयन देंगे देंगे जो मेटेलिक आयन क्या करेगा, देंगे हाँ वेरी गुड, क्या करेगा, टेकअप करेगा क्या इलेक्ट्रॉन को राइट। क्यों? टू कन्वर्ट किसमें, मेटेलिक आयन इनटू मेटल इनटू एटम, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कभी आएगा घुमा फिरा बहुत, तो पूछेगा कि मेटेलिक, अगर पूछ लेगा एटम है मेटल क्या करेंगे, तो मेटल लूज करेगा, देख रहे हैं? देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेटल लूज कर रहा है किसमें, क्या लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये? इलेक्ट्रॉन हाँ। और मेटेलिक आयन क्या करेंगे, गेन ग्रीन करेंगे। करेंगे तो इतनी बारीक से कसू करना जरूरी थी, कवर सकते हैं, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्लियर है? तो जब भी शिमर लिखा रहा है ध्यान से पढ़ना कि मेटल लिखा हुआ है कि मेटेलिक आयन लिखा हुआ है, क्लियर है? तो मेटेलिक आयन टेकअप करेंगे इलेक्ट्रॉन को, किस लिए, टू कन्वर्ट इनटू एटम, क्लियर है? और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना ठीक,
तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन क्या कहते हैं इसे, रिडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शन क्या, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन गेन क्या कहते हैं इस कॉल्ड रिडक्शन, बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई पूछे रिडक्शन क्या होता है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, क्लियर है, बोलो ठीक। अच्छा ये क्या हो गया इसे, अब समझो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना ठीक, तो उसमें जो 5 मीटर स्टार्टिंग में पढ़े हैं, मैं लॉन्ग वाले सीरीज की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, इसमें जिसमें पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्बुमिनियम थे ठीक, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से ठीक है, कौन से, चलो देखते हैं, जो फर्स्ट 5 मीटर से कौन कौन से, इसमें पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक, इनको इन्हें कैसे चेक करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रो लिटिक रिडक्शन मेथड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, क्लियर है, तो जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ठीक, और कब पूछा जाए कि सोडियम को या फिर पोटेशियम को ठीक, तो इसमें से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड, और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या होता है ये हमने पहले पढ़ चुका है, क्या होता है ये देखो, हो कि नहीं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं मेटेलिक एंड टेकअप करेगा इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इन टू एटम, क्लियर है, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ऑफ गेन इज कॉल्ड द रिडक्शन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर, ये जो क्या एनसीईआरटी क्या चीज, हाँ में पूरा बहुत मतलब डीप में लिखा है, जैसे एक कैथोड की बनाएंगे और एक एनोड बनाएंगे, एनोड थोड़ा हाँ ठीक रहेगा, कैथोड मतलब थिन रहेगा, और हाँ उसमें जो मेटल का ओर है उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, और हाँ उसके बाद मतलब ए कैथोड पे जो होगा वो प्योर मेटल होगा, उसको पहले क्लियर होंगे, हाँ और एनोड पे वही इम्प्योर वाला रहेगा, फिर इलेक्ट मतलब जब उसमें करंट पास करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो उसी सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो हाँ जो प्योर मेटल निकलेगा उसमें वो कैथोड पे जाके चिपक जाएगा और इम्प्योर एनोड पे, तो इस ठीक, तरह से तो जो फर्स्ट 5 मेटल है ये क्या है, इन्हें कहते हैं एक्टिव, कहते हैं क्या है, एक्टिव ठीक, अगर बात की जाए ठीक, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी ठीक, उसमें कौन से थे जो मॉडरेट वाले थे, कौन से मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, कौन से मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, जैसे मान लो क्या क्या हो गया, जिंक आयरन ठीक, इनको हम कैसे चेक करेंगे इन सबको, रिडक्शन एक्सट्रैक्टेड बाय, हाँ इनको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, बोथ कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस
और एक्सट्रैक्शन मेथड, और दूसरे क्या होता है? कार्बन रिडक्शन मेथड कौन सा? कार्बन रिडक्शन मेथड, क्लियर है? ठीक जी, कौन से हो गए? मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो होते हैं फ्री स्टेट में, कौन से होते हैं? फ्री स्टेट में, ठीक, जैसे कि याद है कुछ कुछ है जी, है जी, बताओ याद है? कॉपर, एच जी, मरकरी, ए जी, सिल्वर, पी टी, प्लेटिनम, एयू, ऑरम, गोल्ड, क्लियर है? ठीक, तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये कैसे मिलते हैं? इनको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक, ये कहाँ मिलेंगे? ये फाउंड इन नेचर में मिलेंगे, इन फ्री फॉर्म में, फ्री या तो एलिमेंट्री स्टेट, जिसे क्या कहते हैं, नेटिव फॉर्म, मिलते अपने नेटिव फॉर्म में, क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 5 मिनट को कैसे करने की प्रोसेस है, फिर मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट, फिर फ्री स्टेट के देख लिए। ठीक, अब क्या होते हैं? कुछ होते हैं कंबाइंड स्टेट में, किस फॉर्म में होते हैं? कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, ठीक, कंबाइंड स्टेट में क्या हो गया? ठीक, मतलब एक कंपाउंड के फॉर्म मिलेंगे। जैसे मान लो कहाँ मिलते हैं ये? फाउंड इन अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्ट में मिलेंगे, अलोंग विद सम इम्प्योरिटी, ये प्योर नहीं रहेंगे, इम्प्योरिटी, क्लियर है? जिन्हें क्या कहते हैं? नोन एज मिनरल्स, क्या कहते हैं? मिनरल्स, ठीक है? तो ऐसे कौन कौन से मिक्सर है, मिनरल है? ऑक्साइड फॉर्म मिलेंगे, सल्फाइड फॉर्म मिलेंगे, हैलाइड, सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड कार्बोनेट, कुछ कुछ क्या है, इम्पोर्टेंट मिनरल है। कौन कौन से अगर बात की जाए, कौन कौन से मिनरल अगर बात की जाते हैं? ठीक, कई सारे हैं, कौन कौन से हैं? ऑक्साइड, सल्फाइड हैलाइड्स के फॉर्म में होंगे, कुछ सिलिकेट के फॉर्म में होंगे, कुछ सल्फेट, कुछ होंगे फॉस्फेट, कुछ क्लोराइड। कार्बोनेट कार्बोनेट, वेरी गुड, कार्बन फॉर्म में, क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी हो सकते हैं, क्लियर है? ओके, अब बताओ कि मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो अभी तक हम लोग बेसिक बेसिक पढ़ रहे थे, राइट? अब क्या आता है मेन, यहां से क्या आता है? मेटलर्जी आता है, क्या आता है? मेटलर्जी आता है, मेटलर्जी क्या है एक तरीके से?
प्रोसेस ऑफ क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में हमें चाहिए होता है, प्योर फॉर्म में, कहाँ से प्योर फॉर्म में लेंगे, फ्रॉम देयर ओर, क्लियर है, उसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी, क्लियर। अब बात यह है कि जो ये प्रोसेस किस फॉर्म में होता है, इनमें कई सारे स्टेप्स हैं, क्या होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक, जिसमें से सबसे पहले क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं, क्या कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक, तो इससे ये क्या होता है पता है, कंसंट्रेशन और क्या है, कंसंट्रेट करना और को, मतलब क्या हुआ, क्या एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल, क्या रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज से है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, जो प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, प्रेजेंट इन ओर, इसे क्या कहते हैं, इस कॉल क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, क्लियर है, कंसंट्रेशन या फिर क्या कहेंगे, इसका एक नाम और है, पता है क्या कर? बोलो क्या कर? क्या कहते हैं इसे, होगी एक नाम और है, ड्रेसिंग ऑफ ओर, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर, और इसे करने के, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने को कितने मेथड हैं पता है किसी को, टू कई सारे मेथड हैं, एक तो क्या है, थ्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, तक हाँ ठीक, पहला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन, क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एक प्रोसेस है हाइड्रोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं इसे, तीसरा क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्लियर बोलो, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, अच्छा अब ये है, बात ये है कि इसे कैसे करते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हाइड्रोलिक वाला देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट देखने, कौन सा देखना है बोलो, पहले क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट सेपरेशन, ठीक, चलो आ जाओ, क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की बात की गया है, ठीक, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, पता है किसी को प्रिंसिपल क्या है इसका,
जिसमें जो वो जिसमें क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इम्प्योरिटी, हो, हाँ क्या हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर हो, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या लेंगे, क्रस्ट ओर लेंगे, क्या लेंगे, क्रस्ट, पूरा क्रस्ट कर लेंगे उसको, ठीक, और उसको प्लेस कर देंगे ओवर एक कन्वेयर बेल्ट में। कहाँ लगा देंगे, कन्वेयर बेल्ट में। वो क्या होता है, चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या रहेगा, एक क्रस्ट और रहेगा, ठीक, इससे क्या करते हैं हम लोग, कहाँ रख देंगे इसको, इससे कहाँ रख देंगे, एक कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर में, ठीक। अभी क्या होगा, जो कन्वेयर बेल्ट है ये रोटेट करेगा, ठीक, ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ठीक, और जब रोटेट करेंगे, ठीक, कहाँ पर रोटेट करेंगे, रोटेट कहाँ होंगे, रोटेट कहाँ करेंगे, अराउंड टू व्हील पे, टू मेटल व्हील पे, क्लियर है। जिसमें से क्या होगा, वन इज मैग्नेटिक होगा, क्लियर, दो नहीं होंगे, एक ही होंगे, क्लियर है। क्या होगा, एक क्या होगा, मैग्नेटिक होगा। अभी क्या, जो मैग्नेटिक होगा उसमें क्या होंगे, तो इसमें क्या होंगे, अब जो मैग्नेटिक पार्टिकल है, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बोलो, ठीक, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ पे, अट्रैक्ट ऑन मैग्नेटिक व्हील पे, क्लियर है। और क्या होंगे, और जो दूसरा पार्ट है, ठीक, दो मेटल थे ना, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो नॉन मैग्नेटिक है, जो नॉन मैग्नेटिक क्या है, पार्टिकल है, वो फॉल करेंगे सेपरेटली, बोलो, इतना समझ आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, अच्छा हाँ। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा पता है कुछ, बहुत सिंपल है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। सबसे पहले क्या, इसमें मेन क्या काम है, दो मैग्नेटिक फील्ड काम है कि नहीं, तो चलो ये क्या है, एक फिल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, नॉइस बहुत आ रही पता नहीं कहाँ से। अभी क्या करेंगे, इस पे एक ब्रेड लगा देंगे, ये ऐसे, इमेजिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बोलो, ठीक। और ये जो व्हील है, ये क्या है, ये क्या है, व्हील है, ठीक, और एक व्हील ये इधर लगी हुई है, ठीक, ये दो व्हील हो गई हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ऊपर से क्या गिरा देंगे, इसमें
और गिरा देंगे, है कि नहीं? इसमें क्या है? ये ओरो भरा हुआ है, ठीक, ये यहाँ से गिर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक। और गिरने के बाद क्या हो रहा है? ये इसमें जा रहा है, इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, बोलो। ठीक, उसके बाद क्या होगा जब ये यहाँ से जाएगा? ठीक, तो एक मैग्नेटिक है, एक क्या है, नॉन मैग्नेटिक है कि नहीं? तो एक तो यहाँ गिर जाएगा, गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, जो तुरंत गिर गया, दिख रहा है ये क्या है, ये तुरंत गिर गया, ठीक। तो ये कौन सा होगा बोलो, इसको जो हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, ये नॉन मैग्नेटिक होगा। हाँ, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक, ठीक। तो इस, अच्छा ये क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक हो गया, और जो थोड़ी देर दूर गिर, जो गिरेगा, दिख रहा है ये, क्योंकि इसमें वी लगा हुआ ना, ये मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक कहाँ खत्म हो रहा है? आगे जा खत्म हो रहा है कि नहीं? तो आगे जाके जो खत्म हो रहा है उसमें क्या होगा, ये कौन सा होगा? ये मैग्नेटिक और होगा, क्लियर है कि नहीं? क्लियर। और इसमें क्या है, दोनों गिर रहे हैं मिक्स, पूरा क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस समझ में नहीं है, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं क्या क्या है, इतना जरूरी है मैग्नेटिक बनाना। ओके, ये क्या है, मैग्नेटिक व्हील है, क्लियर। और यहाँ पे एक स्टैंड लगा दो चाहो तो, है कि नहीं, ऐसे, है कि नहीं? और इसको स्टैंड से कस दो, इसमें क्या है, और ये कौन सा नेम है, ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, बोलो। ये प्रोसेस, इसमें कोई डाउट तो नहीं, बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में पूरा प्रोसेस हमने बता दिया, क्लियर है? नेक्स्ट क्या आता है, हाइड्रोलिक, क्या जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर इसे क्या कहते हैं, हाइड्रो लिटिक मेथड, ठीक। इसका प्रिंसिपल बताए क्या, प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल जो लिखना है, तो एग्जाम में हो सकता है कि पूरा एक साथ आ लाइट, जाए। हाँ, प्रिंसिपल क्या है, जब ओर या मेटल लाइट हो तो बोला। तो लाइट नहीं, वर्ल्ड क्या बोलते हैं पता है, वो वर्ल्ड लाइट वर्ल्ड यूज बोलते हैं, ठीक। डेंसिटी यूज करते हैं, क्या क्या है, लो डेंसिटी, तो क्या होता है, डिफरेंस होता है किसमें, डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ किसमें, ओर में एंड गैंग, ये क्या है, ये मेन क्राइटेरिया, क्लियर है? तो प्रिंसिपल जो लिखना है, ओके, और प्रिंसिपल के बाद क्या लिखेंगे फिर,
कौन से मतलब होते हैं मेटल? मेथड ऐसे मेथड मेथड लिखेंगे, क्लियर है? तो पहले चलो डायग्राम बना लेते हैं, ओके ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं है। इसमें हम कहते क्या है, एक ओर लेते हैं, उसको पोर कर देते हैं, कहाँ पे? एक स्लोपिंग वाइब्रेटिंग कॉरुगेट ट्यूल में। किसमें? स्लोपिंग वाइब्रेटिंग कॉरुगेट ट्यूल में, ग्रुप के साथ, ठीक। और उसमें क्या करते हैं, वाटर डालते हैं ऊपर से, ठीक। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो होता क्या है, इसमें हम क्या कर देते हैं, ऊपर से इसमें वाटर छिड़क देते हैं, ये ऊपर से क्या आ रहा है, ये आ रहा है वाटर, ठीक ठीक है। स्प्रे है ऑफ वाटर, ठीक। और इसमें जब पानी गिराएंगे, मान लो, तो क्या होगा? अब बताओ, इसमें मान लो पानी गिर रहा है, देख रहे, तो पानी यहां से बहते बहते यहां जाएगा, नहीं जाएगा बोलो? जाएगा बोलो, ठीक। और यहाँ पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, नहीं होगा? हाँ पानी इकट्ठा होगा, ठीक। लेकिन क्या बोलते हैं, यहाँ ध्यान रखो, बीच में कहीं गड्ढे बनाएंगे, देखो ये, देखो ये दिख रहा है, ये देख रहा है, ये तो क्या है, डेंसर और पार्टिकल यहाँ पे स्टक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये क्या है, डेंसर और पार्टिकल हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक। और इसमें क्या आ जाएगा, वाटर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, अब बताओ ये गैंग्यू क्या होता है, बताओ, लिखा ना सर वाटर से, हाँ ये क्या केमिस्ट्री, है, हाँ इसे गैंग्यू क्या बोलते हैं, गैंग्यू बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसे इम्प्योरिटी गैंग बोलते हैं, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी, मतलब क्या हुआ, मतलब समझना ना, मतलब है कि नहीं। तो देखो, जो ओर के पार्टिकल है वो तो ऊपर रह गए हैं, ठीक, और जो गंदगी है जिसको बोलते हैं इम्प्योरिटी, वो क्या है, नीचे आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो, वाटर के साथ में, ये प्रोसेस समझ में नहीं बोलो। यस तो इसमें क्या होता पता है, और क्या करेंगे, और इस बोर्ड कर देंगे, कहाँ पे करेंगे, किस पे, एक स्लोपिंग, स्लोप स्लोपिंग स्लोप होता है उसमें, और वाइब्रेटिंग होता है, क्या वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग
कोरेगेटेड टेबल होता है, ठीक। और क्या होता है साथ में? ग्रूव होता है। और क्या होता है साथ में? साथ में क्या होता है? जेट ऑफ वाटर होता है, नहीं बोले चीजें, ठीक। अच्छा हाँ तो ये पूरा सेटअप होता है, राइट। अभी क्या होगा इसके बाद? ये तो पूरा सेटअप हो गया है। इसमें दो चीजें होंगी, क्या होंगी? क्या होंगी? दो चीजें होंगी, ठीक। जो डेंसर पार्टिकल है क्या होंगे? डेंसर पार्टिकल क्या होंगे? सेटल डाउन हो होंगे? जाएंगे। अच्छा क्या होंगे? सेटल डाउन होंगे कहाँ पे? ग्रू में, क्लियर। और जो लाइटर होंगे, लाइटर का पार्टिकल क्या हो जाएंगे? हम्म, ये वाश्ड डाउन हो जाएंगे, है कि नहीं भाई? वाटर, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया? अभी दो मेथड पढ़ लिए, राइट। किसके? कंसंट्रेशन करने के। एक मेथड और है, कौन सा है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक। तो एक काम करेगा, आप लोग इतना पढ़ के आएगा, ठीक। बाकी हम लोग कल करते हैं। ये तो काम करते, ये भी देख ले क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस देख लेते हैं। देखना है कल, देखना इसको। नेक्स्ट क्या पढ़ना अपने को? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यस क्या है फ्रोथ स्पेलिंग? क्या किसी वजह से? प्रिंसिपल क्या है? सर, इसमें भाई पाइन ऑयल वगैरह डालते हैं तो जो ओर होता है वो झाग बन के ऊपर आ जाता है और इम्प्योरिटी नीचे बैठ जाती है। हाँ, इसमें क्या करते हैं पता है? इसमें क्या करते हैं? जो क्रश ओर होता है, पहले क्रश ओर को लेंगे, ठीक। कहाँ लेंगे? टेकन इन लार्ज टैंक में, है कि नहीं? लार्ज टैंक में लेंगे, ठीक। जिसमें क्या होगा? और साथ में क्या लेते हैं लार्ज टैंक में? प्लस क्या होगा इसमें? ऑयल लेते हैं, है कि नहीं? एंड वाटर, क्लियर। और क्या रहेगा? पता है? कंप्रेस एयर। क्या लेंगे? यस ठीक, तो ये चीजें लेंगे। तो फिर इसको ऐसे ना करके, ठीक, ये सब चीजें हम लोगों ने ले ली एक साथ, ठीक। अब क्या करेंगे? और क्या करेंगे? उसको वेट करेंगे, है कि नहीं? वेट करेंगे कैसे? ऑयल के साथ, क्लियर। और क्या हो जाएगा? गेट सेपरेटेड फ्रॉम किससे हो? गैंगो। क्या बोलते हैं ने? गैंगो या फिर मैट्रिक्स। किस फॉर्म में होगा? इन फॉर्म ऑफ फ्रोथ, क्लियर है।
तो जो ए अभी क्या होगा, अगर जो एट क्या होगा, जो विट बाई ऑयल हो गया, ठीक, ये हो गया, ये प्रोसेस हो गया, अभी क्या होगा बोलो। जो ओर क्या है, मतलब जो ओर लाइटर के हैवियर है ये, तो लाइट हो जाएगा लाइटर ओर कहाँ पे आ ऊपर जाएगा, ऊपर कम्स ऑन सरफेस सरफेस पे, ठीक, किसके साथ, विद फोर्थ, ठीक, और क्या होगा, इम्प्योरिटीज, क्या होगा, इम्प्योरिटी कहाँ रह जाएंगी, लेफ्ट बिहाइंड, क्लियर, डायग्राम कैसे बनेगा देख रहे हैं क्या होता है। इसमें क्या आएगा, कंप्रेस्ड एयर क्या आएगा, ये क्या है, कंप्रेस्ड एयर, ठीक, और क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटी है इसमें क्या ले रहे हैं पता है, पाउडर्ड ओर साथ में वाटर, और क्या ले रहे हैं, पाइन का ऑयल ले रहे हैं, क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, ये सब जो है इसमें जाएगा, ठीक, और क्या होगा, इसमें जो है जो कंप्रेस एयर है, ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर बबल बनेंगे, क्या बनेंगे, एयर बबल बनेंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये इसके अंदर एयर है ना, तो ये क्या है, एयर बबल, ठीक, और साथ में क्या है, विद ऑयल वेटेड ओर, क्या है, ये पूरा वेटेड ओर है कि नहीं, ठीक, और क्या होगा, जो सबसे नीचे है यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़, ये
ये क्या है? गेंगू, या तो फिर क्या कहते इसे, मैट्रिक्स। ठीक, ये क्या है? फ्रोथ विद सल्फाइड और क्लियर है? ठीक है, इसको इसमें डाल दो। ठीक, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है? ठीक, कि कंसंट्रेशन के जो तीन प्रोसेस थे ये हम लोगों ने देख लिए, राइट? कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और फ्रोथ प्रोटेशन प्रोसेस। ठीक, इसके आगे हम लोग, आप लोग पढ़ के आएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।